आज हम एक छोटा सा जनरेटर बनाएंगे जो एक लाइट हाउस में एलईडी को जलाएगा। इसके लिए हमको दो सशक्त नियोडाइमियम के चुंबक, इंसुलेटेड कॉपर वायर और कुछ अन्य सामान की जरूरत पड़ेगी। एक फिल्म की बोतल लें, उसमें दो सुराख करके दो स्ट्रॉ लगाएं, बुश बेयरिंग जैसे। यह है इसके अंदर का व्यू। उसके बाद में एक पीली रबर का टुकड़ा लें और उसके दोनों सिरों पे दो सशक्त नियोडाइमियम के चुंबक चिपका दें और उसके बीचों बीच एक साइकिल की स्पोक लगाएं जो बुश जो एक्सल का काम करेगी। उसके बाद में इस साइकिल की स्पोक को आप दोनों स्ट्रॉ के अंदर डाल दें। इस बात का ध्यान रखें कि साइकिल की स्पोक एकदम फ्रीली घूमना चाहिए। उसके बाद में इंसुलेटेड कॉपर वायर लें मोटरी वाइंडिंग का, उसके 800 चक्कर बांधें और उसको एक एलईडी के साथ में जोड़ दें। आपका जनरेटर तैयार है। अगर आप स्पोक को घुमाएंगे तो एलईडी जलेगा। उसके बाद में एक मोटा कार्ड शीट लें और उससे 5 पंखुड़ियों वाला एक टरबाइन बनाएं। इस टरबाइन को आप साइकिल की तीली के एक सिरे के ऊपर जोड़ दें। उसमें एक बोतल का ढक्कन लगाएं जिसमें सुराख हो और फिर इस बोतल के ढक्कन के अंदर एक बोतल को फिट कर दें। बोतल ऐसी हो कि उसका पेंदा कटा हो। अब ये सफ़ेद बोतल का पेंदा कटा है, ये एक हरी पानी से भरी बोतल में इसको हम ऊपर नीचे करेंगे। अगर इस बोतल को नीचे लेके जाएंगे तो इसके ढक्कन में से हवा निकलेगी, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन चुंबकों को घुमाएगा और उससे एक विद्युत पैदा होगी जिससे एलईडी तेजी से जलेगा। तो ये एक लाइट हाउस का सरल सा मॉडल है। यहाँ आप कुछ बच्चियों को इस मॉडल से खेलते हुए देख सकते हैं।